हेलो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है पार्थवती मेरा और आप देख रहे हैं एक्वा ज्ञान थेरेपी। दोस्तों आज का एक नए बेहतरीन फ्रेश और जबरदस्त वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का यह वीडियो मेरा बेसिकली वाटर पैरामीटर सीरीज का ऊपर दूसरा वीडियो होगा। इसके जस्ट पहले जो मैंने वीडियो डाला है उसमें मैं आपको वाटर पैरामीटर का ऊपर एक रॉ आइडिया दिया था, जिसमें मैं आपको बताया था वाटर पैरामीटर बेसिकली होता है तीन टाइप का, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल वाटर पैरामीटर। और आज के इस वीडियो में मैं दोस्तों वही जो तीन वाटर पैरामीटर से फिजिकल वाटर पैरामीटर का एक मेन वाटर पैरामीटर आ जाता है वाटर डेप्थ। आज के इस वीडियो में आपको दोस्तों वाटर डेप्थ के बारे में फुल डिटेल्स में बताऊंगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको क्या क्या लेकर बताऊंगा वाटर डेप्थ के बारे में। दोस्तों एट फर्स्ट मैं आपको वाटर डेप्थ के बारे में बताऊंगा कि अगर आपका तालाब या फिश फार्मिंग का पॉन्ड में वाटर डेप्थ अगर सही नहीं रहेगा तो आपका फिश फार्मिंग का पॉन्ड में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। एट फर्स्ट मैं आपको प्रॉब्लम्स बोलूँगा क्योंकि अगर प्रॉब्लम के बारे में आपको पता चलेगा तो आपको एक्चुअल में समझ में आएगी कि वाटर डेप्थ का महत्व हमारे फिश फार्मिंग और एक्वाकल्चर में कितना है। देन प्रॉब्लम के बाद मैं आपको बताऊंगा वाटर डेप्थ हमारा फिश फार्मिंग और एक्वाकल्चर में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एट द एंड। लेकिन लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा तालाब के लिए कौन सा और कितना वाटर डेप्थ रखना सही है, यानी कि फिश फार्मिंग के लिए कितना वाटर डेप्थ सही है हमारा प्रॉपर वे से साइंटिफिक वे से फिश फार्मिंग करने के लिए। और वीडियो का एकदम लास्ट में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि अगर आपके पास जगह का अवेलेबिलिटी नहीं है तो उतना परिमाण में, और अगर आपके पास वहाँ पर जहाँ पर आपका जो एरिया है वहाँ पर अगर मछली का बीज का अवेलेबिलिटी सभी टाइम नहीं होता तो आप कैसे उस टाइम आपका तालाब का वाटर डेप्थ मेंटेन करके प्रॉपर वैसे फिश फार्मिंग कर पाए। दोस्तों आप लोग इस वीडियो का एकदम एंड तक देखना तो आपको वाटर डेप्थ से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स या फिर जो जो मन में सवाल था सभी सवाल आपका क्लियर हो जाएगा, मैं दावा के साथ कह सकता हूँ ये। सो दोस्तों चलिए आज का इस वीडियो को स्टार्ट किया जाए। सब्सक्राइब कीजिए एक्वा ज्ञान थेरेपी यूट्यूब चैनल को फिशरीज और एक्वा कल्चर से जुड़े सभी जानकारियाँ सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ तालाब का वाटर डेप्थ अगर सही नहीं रहेगा, यानी कि अगर तालाब का वाटर डेप्थ बहुत ज़्यादा होगा या फिर तालाब का वाटर डेप्थ बहुत कम होगा तो क्या क्या प्रॉब्लम हमारे फिश फार्मिंग और मछली के लिए क्रिएट होगा। दोस्तों तालाब का वाटर डेप्थ अगर सही नहीं रहेगा तो हमारा फिश फार्मिंग के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम दिखा जाएगा। उसमें से एक पहला जो मेन प्रॉब्लम दिखा जाएगा टेम्परेचर का फ्लैक्चुएशन होगा। टेम्परेचर का फ्लैक्चुएशन मतलब क्या दोस्तों, यानी कि तालाब में जो टेम्परेचर यानी कि जिसे आप तापमान कहते हैं तापमान बहुत जल्दी ऊपर नीचे होगा। बेसिकली जिस तालाब में वाटर डेप्थ बहुत कम रहता है उस तालाब में क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी के समय या फिर बहुत ज़्यादा ठंड के समय उस तालाबों में बहुत जल्दी ही टेम्परेचर फ्लैक्चुएशन अप डाउन हो जाता है। यानी कि समर का टाइम क्या होता है ना, तालाब का पानी ऊपर का लेयर से नीचे का लेयर तक जल्दी ही गर्म हो जाता है, और विंटर सीजन में यानी कि ठंड का टाइम तालाब का ऊपर लेयर से तालाब के नीचे लेयर तक जिस तालाब में वाटर डेप्थ कम होता है जल्दी ही ठंडे हो जाता है। सो ये जो तालाब का जब वाटर डेप्थ कम रहेगा तो दो जो कंडीशन है कि समर का टाइम और जो विंटर का टाइम मछली बहुत स्ट्रेस में बहुत जल्दी आ जाएगा। सो मछली स्ट्रेस में आ जाएगा तो मतलब क्या, मछली का जो नॉर्मल बिहेवियर है सभी चेंज हो जाएगा। नॉर्मल बिहेवियर चेंज हो जाएगा मतलब तो मछली का क्या होता है, खाना भी अच्छे से नहीं खाएगा। सो खाना नहीं खाएगा, खाना का एब्जॉर्बेशन नहीं होगा, यानी कि मछली का जो एवरी मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी है सभी मैकेनिज्म ब्रेकडाउन हो जाएगा, यानी कि अच्छे से नहीं होगा। सो मछली का एट द एंड बॉडी ऑयल और ग्रोथ अच्छा नहीं दिखा जाएगा, और डिजीज है बहुत सारे डिजीज का संभावना रहेगा मछली स्ट्रेस का आने की वजह से। सो दोस्तों पहला क्या है, टेम्परेचर फ्लैक्चुएशन। दूसरा क्या प्रॉब्लम आता है दोस्तों, दूसरा भी एक मेन प्रॉब्लम आता है वह तालाब का जो वाटर प्रेशर है, वाटर प्रेशर अगर सही ढंग से नहीं पड़ेगा तो मछली के ऊपर वाटर प्रेशर अगर ज़्यादा पड़ गया तो मछली वहाँ पर ट्रेस में आ सकती है। बेसिकली ये प्रॉब्लम दिखा जाता है जिस तालाब में तालाब का वाटर डेप्थ ज़्यादा रहता है, यानी कि एक तालाब का वाटर डेप्थ एक निर्दिष्ट मात्रा में रहना चाहिए, उससे अगर ज़्यादा हो गया तो बहुत ज़्यादा हो गया तो तालाब में जो वाटर प्रेशर होता है यानी कि पानी का जो चाप होता है मछली का शरीर में पड़ता है, तो शरीर में ज़्यादा चाप पड़ने की वजह से उस टाइम भी मछली ट्रेस में आ जाते हैं, सेम ही कंडीशन होते हैं ट्रेस में आ जाते हैं मछली। ट्रेस में आने से नॉर्मल बिहेवियर जो है वो ठीक नहीं रहता है, और नॉर्मल बिहेवियर अगर मछली का सही नहीं रहेगा तो मछली के बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिखा जाएगा। देन उसके बाद जो मेन प्रॉब्लम आ जाता है नेचुरल प्रोडक्टिविटी, यानी कि तालाब में जो नेचुरल प्रोडक्टिविटी यानी कि जो फाइटोप्लांकटन और जूप्लांकटन होता है, यानी कि जो प्राणी पादक और क्या बताओ और जो उद्भिद पादक होता है वो है मछली का एक नेचुरल खाना। अगर तालाब का वाटर डेप्थ सही नहीं रहेगा तो ज़्यादा और कम रहेगा तो वो जो नेचुरल प्रोडक्टिविटी है ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। बेसिकली जिस तालाब का वाटर डेप्थ ज़्यादा रहता है उस तालाब में क्या होता है ना दोस्तों, सनलाइट वाटर का ऊपर लेयर से नीचे लेयर तक ठीक से नहीं पहुंच पाता, इसलिए वहाँ पर नेचुरल प्रोडक्टिविटी बहुत डाउन हो जाता है।
और नेचुरल प्रोडक्टिविटी डाउन होना मतलब तो समझते ही आप लोग, मछली का जो नेचुरल खाना है, प्राकृतिक जो खाना है, वो मछली को अच्छे से नहीं मिलेगा, तो बॉडी ग्रोथ भी अच्छा नहीं देगा। एंड बहुत सारे तालाब जहाँ पर तालाब का वाटर डेप्थ बहुत ही कम रहता है, वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, बेसिकली तालाब का वाटर डेप्थ कम रहने की वजह से डायरेक्ट सनलाइट वाटर का बॉटम में जाकर पड़ता है, तो वहाँ पर जो तालाब का जो फाइटोप्लांकटन और जो एल्गी है बहुत ज़्यादा ग्रो अप कर देता है, और एल्गल ब्लूम और फाइटोप्लांकटन ब्लूम भी क्रिएट हो सकता है। एंड बहुत सारे तालाब में ऐसे दिखा जाता है जहाँ पर बहुत कम वाटर डेप्थ होता है, वहाँ पर एक्वाटिक वीड भी क्रिएट हो सकती है। सो दोस्तों देन आता है और भी एक प्रॉब्लम, मेनली देखा जाता है जो फार्मर लोग हमारा कॉम्पोजिट फिश कल्चर करते हैं। कॉम्पोजिट फिश कल्चर मतलब क्या, जो फार्मर लोग आप जैसे जो फिश फार्मर लोग एक साथ बहुत सारे मछली का पालन करते हैं, बेसिकली IMC के साथ जो एक्जोटिक फिशेज का पालन करते हैं। IMC मतलब रू का तरह रीगल के साथ एक्जोटिक फिश, मतलब सिल्वर क्रैब, गैस क्रैब, कॉमन क्रैब और जो अदर फिश है उसका जब पालन करते हैं आप लोग, वो जो मछली है सभी लेयर में जाकर खाना खाती है। सो अगर वाटर डेप्थ इनसफिशियंट रहेगा तो क्या होगा ना, ज़्यादा या फिर कम रहेगा तो सभी लेयर से जो खाना है, सभी लेयर से मछली का मछली जो खाना जो कलेक्ट करता है, सभी लेयर से अच्छे से मछली खाना कलेक्ट नहीं कर पाएगा, और एट द एंड मछली का प्रॉब्लम दिखाएगा, मछली ग्रोथ भी अच्छा नहीं देगा। देन उसके बाद जो और एक प्रॉब्लम आ जाता है दोस्तों, मेन प्रॉब्लम जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस होता है ना हमारा तालाब में, तालाब का वाटर बॉटम में जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस होता है, मछली जो खाना खाता है फीड का जो वेस्टेज, देन जो मछली जो पॉटी करता है यानी कि एक्सक्रीट है उसका जो वेस्टेज मिट्टी में जाकर जो पड़ता है वो तो डिकम्पोज होता है। वो जो डिकम्पोजिशन प्रोसेस होता है ना, जब वाटर टेप ज़्यादा रहेगा तभी सनलाइट जाकर वाटर बॉटम तक नहीं पहुँच पाएगा। सो वाटर बॉटम में जाकर सनलाइट नहीं पहुँच पाएगा तो आपको तो पता है डिकम्पोजिशन प्रोसेस में सनलाइट बहुत हेल्पफुल रहता है। सो डिकम्पोजिशन प्रोसेस में अगर सनलाइट वाटर बॉटम में नहीं जाकर नहीं पड़ेगा तो क्या होगा ना, डिकम्पोजिशन प्रोसेस ब्रेक डाउन हो जाएगा, डिकम्पोजिशन प्रोसेस अच्छे से नहीं होगा, बहुत लेट होगा डिकम्पोजिशन प्रोसेस होने में। सो मिट्टी के नीचे यानी कि बॉटम में बहुत सारे गैसेस, हार्मफुल गैसेस क्रिएट हो जाएगा। सो दोस्तों ये है बेसिकली कुछ प्रॉब्लम जो फिश फार्मिंग में क्रिएट होता है तालाब का इनसफिशियंट और ज़्यादा वाटर डेप्थ होने की वजह से। तो दोस्तों चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ तालाब का वाटर डेप्थ अगर सही रहेगा तो तालाब को क्या क्या इंपॉर्टेंस रोल प्ले करेगा हमारे फिश फार्मिंग में। दोस्तों अगर हमारा तालाब का वाटर डेप्थ सही रहेगा तो तालाब में जो वाटर पैरामीटर्स है, सभी जो वाटर पैरामीटर्स वो फ्लैक्चुएट नहीं करेगा, डिसबैलेंस नहीं होगा, वाटर पैरामीटर सही रहेगा सभी पैरामीटर अगर तालाब का वाटर डेप्थ सही रहेगा तो। देन जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा मछली, जो वाटर डेप्थ की वजह से जो वाटर डेप्थ अगर ज़्यादा होगा या फिर कम होगा उस वजह से मछली का जो मछली जो ट्रेस में आता है ना, वो जो ट्रेस कंडीशन, वो ट्रेस कंडीशन अगर तालाब का वाटर डेप्थ सही रहेगा तो उस ट्रेस कंडीशन में मछली नहीं आएगा, और ट्रेस कंडीशन में नहीं आएगा तो मछली को कुछ प्रॉब्लम भी नहीं दिखा जाएगा। देन और एक जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों, मछली जो खाना खाता है उसका जो फीड इनटेक प्रोसेस है और उस वो फीड जो एब्जॉर्ब होता है मछली का शरीर में, वो जो एब्जॉर्बेशन प्रोसेस या फिर फीड इनटेक प्रोसेस, सभी प्रोसेस में ये जो वाटर डेप्थ बहुत हेल्पफुल रहता है। हेल्पफुल मतलब क्या, वाटर डेप्थ अगर सही रहेगा तो सभी वाटर पैरामीटर भी सही रहेगा, और वाटर पैरामीटर सही रहेगा ये तो मछली का जो एनवायरनमेंट है वो एनवायरनमेंट सही रहेगा, और एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा तो मछली खाना अच्छा खाएगा और बॉडी ग्रोथ भी अच्छा देगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि तालाब का वाटर डेप्थ अगर सही नहीं रहेगा तो क्या क्या प्रॉब्लम होगा, और ये हमारा फिश फार्मिंग और एक्वाकल्चर में कई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों आप चलिए एकदम लास्ट में जो आता है, तालाब का कितना वाटर डेप्थ सही रहेगा हमारे फिश फार्मिंग के पॉन्ड के लिए। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों तालाब में हम जो वाटर डेप्थ रखते हैं ना, वो वाटर डेप्थ हम हर टाइम सही नहीं रख पाते हैं, बट यहाँ पर तालाब का वाटर डेप्थ हमें रखना चाहिए मछली का जो बॉडी वेट और मछली का जो DOC यानी कि डेट ऑफ कल्चर है उसका हिसाब से हमें तालाब का जो वाटर डेप्थ रखना पड़ेगा। यहाँ पर दोस्तों बेसिकली तीन टाइप का तालाब होता है, तीन टाइप का तालाब के लिए अलग अलग तरह का वाटर डेप्थ रखने के लिए रिकमेंड किया जाता है, अगर आप साइंटिफिक फिश फार्मर हो या फिर साइंटिफिक वैसे फिश फार्मिंग करते हैं तो। सो यहाँ पर बेसिकली तीन टाइप का तालाब होता है, आप सभी को पता है दोस्तों, पहला है नर्सरी पॉन्ड, दूसरा है रियरिंग पॉन्ड और एंड तीसरा है स्टॉकिंग पॉन्ड। सो नर्सरी पॉन्ड यानी कि क्या दोस्तों, नर्सरी पॉन्ड यानी कि हैचरी में मछली का सीड का प्रोडक्शन होता है, सीड मतलब मछली का बेसिकली स्पॉन का प्रोडक्शन होता है, वहाँ पर 2 से 3 दिन का मछली का स्पॉन का प्रोडक्शन होता है। सो वहीं जो स्पॉन को अगर हम नर्सरी जिस पॉन्ड में छोड़ कर वहाँ पर स्पॉन से हम फ्राई का जो प्रोडक्शन करते हैं यानी कि 2 से 3 दिन का बच्चा डालकर मछली का सीड डालकर उस तालाब से अगर हम 15 से 20 दिन या फिर 30 दिन तक रख के उसे 2 से 3 दिन करते तो वो जो तालाब है उसे कहते हैं हम नर्सरी पॉन्ड। नर्सरी पॉन्ड के लिए दोस्तों तालाब का वाटर डेप्थ बेसिकली रिकमेंड किया जाता है 3.5 से 4 फीट तक या फिर 4.5 फीट तक।
तो ये अच्छा प्रोडक्टिव पॉन्ड है और मछली के लिए भी सूटेबल है। एंड देन जो दोस्तों नर्सरी पॉन्ड का बात किया जाता है, रेयरिंग पॉन्ड। रेयरिंग पॉन्ड मतलब दोस्तों जिस तरह में हम नर्सरी पॉन्ड में प्रोडक्शन हुए जो फ्राई को लेकर उसे हम जिस तरह में छोड़ते हैं और वहाँ पर फ्राई से जो फिंगरलिंग का प्रोडक्शन करते हैं, सो वो जो पॉन्ड होता है जहाँ पर हम फ्राई से फिंगरलिंग का प्रोडक्शन करते हैं उसे हम कहते हैं रेयरिंग पॉन्ड। सो रेयरिंग पॉन्ड में हम कितने दिन मछली का कल्चर करते हैं? रेयरिंग पॉन्ड में बेसिकली हम जो नर्सरी पॉन्ड से लिए हुए 30 दिन के बच्चे मछली के बच्चे है उसे हम रेयरिंग पॉन्ड में रखते हैं बेसिकली 2 से 3 महीने तक। और जितने दिन मछली का साइज 10 से 12 सेमी तक नहीं हो जाता उतने दिन तक हम उसे रेयरिंग पॉन्ड में कल्चर करते हैं। देन तो रेयरिंग पॉन्ड के लिए हमारा कितना वाटर डेप्थ सही है दोस्तों? रेयरिंग पॉन्ड के लिए बेसिकली साइंटिफिक वे से अगर आप फिश फार्मिंग करते हैं तो उसके लिए रिकमेंड किया जाता है बेसिकली 5 से 5.5 फीट तक या फिर 4.5 से 5.5 या फिर 6 फीट तक तालाब को वाटर डेप्थ रखने में रिकमेंड किया जाता है। तो ये सही है आपका तालाब के लिए और मछली के लिए भी। देन उसके बाद रेयरिंग पॉन्ड का बाद क्या आता है दोस्तों? रेयरिंग पॉन्ड का बाद आता है स्टॉकिंग पॉन्ड। स्टॉकिंग पॉन्ड यानी कि दोस्तों रेयरिंग पॉन्ड में जो मछली आप 10 से 12 सेमी किए उसके बाद जो उसे हम फिंगरलिंग्स कहते हैं तो उस फिंगरलिंग्स को लेकर हम जिस तालाब में छोड़ते हैं उस तालाब को कहते हैं हम स्टॉकिंग पॉन्ड। और उस तालाब में फिंगरलिंग्स हम स्टॉकिंग पॉन्ड में मछली का साइज मार्केटेबल साइज तक दे जाते हैं। यानी कि मार्केटेबल साइज मतलब क्या? बाजार में बिकने के लिए मछली का जितना बॉडी वेट चाहिए यानी कि 500 ग्राम या हो 700 ग्राम या हो 1 किलो या फिर 1.5 किलो उतने तक हम ले जाते हैं स्टॉकिंग पॉन्ड में। तो स्टॉकिंग पॉन्ड में दोस्तों हम जो फिंगरलिंग्स को छोड़ते हैं फिंगरलिंग्स के प्रोडक्शन लेते हैं मार्केटेबल साइज फिश का। सो यहाँ पर स्टॉकिंग पॉन्ड के लिए वाटर डेप्थ बेसिकली दोस्तों रखा जाता है, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। बेसिकली सभी जो फिश फार्मर लोग हमारे स्टॉकिंग पॉन्ड में बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा फिश फार्मर लोग कल्चर करते हैं। तो स्टॉकिंग पॉन्ड के लिए जो मेनली वाटर डेप्थ रिकमेंड किया जाता है दोस्तों 6.5 से 7.5 या फिर 8 फीट तक, या बहुत सारे फार्मर 9 फीट 10 फीट तक रखते हैं। क्योंकि 9 फीट मतलब क्या दोस्तों? जहाँ पर बहुत बड़ा एरिया होता है वहाँ पर 9 फीट 10 फीट रखने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, बस उससे ज़्यादा होगा तो प्रॉब्लम होगा। सो यहाँ पर स्टॉकिंग पॉन्ड से मान के चल सकते हैं आप लोग, आप तालाब का वाटर डेप्थ रख सकते हैं 7.5 से 7.5 या फिर 7 से 8.5 फीट तक। सो तो ये क्या बेसिकली 3 टाइप का पॉन्ड यानी कि नर्सरी पॉन्ड, रेयरिंग पॉन्ड एंड स्टॉकिंग पॉन्ड का वाटर डेप्थ आप कितना रखेंगे। और मैं दोस्तों आप लोगों को वीडियो का स्टार्ट में बताया था कि जहाँ पर सीट का उतना अवेलेबिलिटी नहीं है और बहुत सारे फार्मर्स हैं जिनके पास उतना जगह नहीं है वो एक साथ नर्सरी पॉन्ड, रेयरिंग पॉन्ड और स्टॉकिंग पॉन्ड में कल्चर करें, सो उनके लिए मैं इस वाटर डेप्थ के ऊपर डिपेंड करके आप कैसे कल्चर पीरियड को फुल्ली इन कल्चर पीरियड में उस मछली को आप उसका एकदम स्पॉन्स से कैसे मार्केटेबल साइज के प्रोडक्शन करेंगे। सो चलिए मैं उस बारे में बोलता हूँ आप लोगों को कुछ। दोस्तों मान लीजिए आपका एरिया में सीट का अवेलेबिलिटी हर टाइम नहीं होता और मान लीजिए आपका पास तालाब उतना ज़्यादा एरिया नहीं है और आप एक साथ 3 तालाब यानी कि नर्सरी पॉन्ड, रेयरिंग पॉन्ड, स्टॉकिंग पॉन्ड खुद बाकर आप फिश फार्मिंग नहीं कर पाएंगे। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? आप जब मान लीजिए आप हैचरी यानी कि मछली का जो बीज स्पॉन को ले जाकर जब आप तालाब में छोड़ेंगे उस टाइम जो जिस तालाब आपका जैसे भी तालाब वो चलेगा उस तालाब का वाटर डेप्थ आपको नर्सरी पॉन्ड का वाटर डेप्थ के हिसाब से रखना पड़ेगा। यानी कि मान लीजिए आप स्पॉन लेके आकर उस तालाब में छोड़ें तो वहाँ पर आपका तालाब को वाटर डेप्थ रखना पड़ेगा 3.5 से 4 फीट तक। तो ये जो नर्सरी पॉन्ड है ये आप नर्सरी पॉन्ड के जैसे वहाँ पर कल्चर करेंगे 15 से 20 दिन या फिर 30 दिन तक कल्चर करेंगे जितने दिन आपका मछली का बॉडी 2 से 3 सेमी तक नहीं हो जाता है। लेकिन 2 से 3 सेमी मछली का बॉडी हो जाने के बाद आप उस तालाब का जो वाटर डेप्थ थोड़ा बढ़ा दीजिए यानी कि आप यहाँ पर 4.5 फीट रखा आप 4.5 या फिर 5.5 से 6 फीट कर दीजिए, ये भी 5.5 फीट तक कर दीजिए। यानी कि रेयरिंग पॉन्ड में हम जितना वाटर डेप्थ रिकमेंड करते हैं आप यहाँ पर आप रेयरिंग पॉन्ड का लिए जितना वाटर डेप्थ रिकमेंड किया था वो आप बढ़ा दीजिए आप। तो यहाँ पर जितने दिन आपका मछली आप 2 महीने या फिर 3 महीने रखकर जितने दिन मछली का बॉडी 10 से 12 सेमी तक नहीं हो जाते उतने दिन हम वाटर डेप्थ सेम ही रखिए। एंड देन जब मछली के बॉडी जब 10 से 12 सेमी हो जाएगा देन आप जो स्टॉकिंग पॉन्ड का जो वाटर डेप्थ रखने के लिए हम सब रिकमेंड करते हैं 6.5 से 7.5 या फिर 8.5 फीट तक आप वाटर डेप्थ उतना बढ़ा दीजिए। सो आपका जो मछली का जो एक एक स्टेज में जो जितने जितने वाटर डेप्थ रखना जरूरी होता है और जो जितने वाटर डेप्थ मछली का अच्छा ग्रोथ देता है वो वाटर डेप्थ मेंटेन हो जाएगा। दोस्तों अगर आपके पास उतना एरिया नहीं है या फिर आप जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पर अगर उतना सीट की अवेलेबिलिटी नहीं है सो आप इस तरीके से आप वहाँ पर फिश फार्मिंग कर सकते हैं। सो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा आपका अच्छा प्रोडक्शन लेने में और अच्छा एक क्या बताऊँगा अच्छा एक प्रॉफिट लेने में। तो दोस्तों ये क्या बेसिकली वाटर डेप्थ के बारे में।
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया। अगर आपको कुछ समझने में प्रॉब्लम हुआ तो नीचे आप कमेंट कर दीजिए। सो मैं कोशिश करूँगा कि उस बारे में वीडियो डालने में या फिर उस बारे में आपको कमेंट भी बता देने का। सो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो नीचे लाल वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और ये वीडियो आपको फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाले है, ये फिश फार्मिंग जो वाटर पैरामीटर के ऊपर, वाटर पैरामीटर के बेसिकली वाटर टेम्परेचर के ऊपर नेक्स्ट वीडियो आने वाले है। तो दोस्तों तब तक के लिए हमारा इस वीडियो का साथ दिया और हमारा चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, अच्छे रहना अच्छे काम करना, स्टे कनेक्ट कीप ग्रोइंग, धन्यवाद।